प्रिय सब्सक्राइबर्स एंड व्यूवर्स, आप सभी को यूट्यूब के माध्यम से हिट एंड फिट द फूड चैनल की तरफ से मदर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। कहते हैं भगवान के बाद इस धरती पर माँ ही हैं जो बिल्कुल भगवान की तरह निस्वार्थ हमेशा हमारा साथ देती हैं। आज की रेसिपीज शुरू करने से पहले मैं माँ के बारे में कुछ पंक्तियाँ जरूर बोलना चाहूंगी। वो इस प्रकार हैं, मेरी प्रथम पाठशाला की गुरु है मेरी माँ, तपती धूप में ठंडी ठंडी छांव जैसी है मेरी माँ, सूरज की प्रथम किरण जैसे पथ प्रदर्शित करने वाली है मेरी माँ, रात के अंधेरे में शरद पूर्णिमा की शीतल रोशनी जैसी है मेरी माँ, खुद सब सहकर हमें आगे बढ़ाने वाली है मेरी माँ, माँ की अच्छाइयाँ गिनाने के लिए संसार के सारे शब्द कम पड़ जाएं, ऐसी है मेरी माँ। आज की हमारी दोनों रेसिपीज मदर्स डे स्पेशल हैं, तो प्लीज आप इसे अपनी माँ के लिए जरूर बनाएं। आज हम सिखाने जा रहे हैं वाटरमेलन जूस। आपने तरबूज तो हर गर्मी के सीजन में खाया होगा, लेकिन इस बार आप इस वाटरमेलन जूस को ट्राई करके देखें। आप खुद कहेंगे कि हमने अभी तक इसे क्यों नहीं पिया, क्योंकि यह आप सबको इस गर्मी में कर देगा तरोताजा और पूरा परिवार इसे जरूर पसंद करेगा, यह हमारी गारंटी है। सबसे पहले वाटरमेलन जूस के लिए हमने तरबूज को पीसेस में काट कर बाउल में ले लिया है। जितना हो सके इसके बीजों को इससे अलग निकाल लें। वाटरमेलन जूस के लिए हमने तरबूज के अलावा कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लिए हैं आप एक बार देख लीजिए। हमने यहाँ पर मिर्ची पाउडर लिया है, नींबू का जूस लिया है, भुने जीरे का पाउडर लिया है, काला नमक लिया है और मैंने यहाँ पर पुदीने की पत्तियों को धोकर ले लिया है। अब हम वाटरमेलन जूस बनाने की तैयारी कर लेते हैं। यह जूस बनाना बहुत ही आसान है, इसे बच्चे भी आसानी से बना लेंगे। हमने वाटरमेलन पीसेस को मिक्सी के जार में डाल दिया है। हमने वाटरमेलन जूस के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लिए थे वे सब हमने इस जार में डाल दिए हैं और अब हम इनका जूस निकाल लेंगे। हमारा वाटरमेलन जूस तैयार है, इसे अब हम छलनी से छान लेंगे। आज हम दूसरी रेसिपी सिखाने जा रहे हैं, फ्रूट सैंडविच। क्या आपने ये कभी खाया है? यह भी बहुत यमी व टेस्टी होता है। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स इस प्रकार है। फ्रूट सैंडविच है तो इसमें तो डलेंगे सीजनली मनपसंद फ्रूट्स, तो आप अपने मनपसंद फ्रूट्स यहाँ पर ले सकते हैं, पर ध्यान रखें वे फ्रूट्स ज़्यादा वाटरी ना हो। फ्रूट सैंडविच के लिए और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए एक बार देख लीजिए। यहाँ पे मैंने ब्राउन ब्रेड लिया, आप मल्टीग्रेन ब्रेड भी ले सकते हैं, बटर लिया है, मेयोनीज लिए है और ये चॉकलेट सॉस लिया है जो होममेड है। इसकी रेसिपी हमारे चैनल पे आपको आसानी से मिल जाएगी। हमने फ्रूट्स कट किए थे, इस बाउल में मिक्स कर दी हैं। अब इसमें हम मेयोनीज मिक्स कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सैंडविच तैयार होंगे। हमने मेयोनीज को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है फ्रूट्स में, आप इसकी जगह फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर ब्रेड के एजेस को काट लिया है, अब इस पर बटर लगाएंगे। अब हम बटर लेंगे और इस ब्रेड पे लगाएंगे, चारों तरफ अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। ये बच्चे भी आसानी से बना लेंगे, बहुत टेस्टी बनेगा, हेल्दी बनेगा और शायद आप पहली बार खाएंगे इसे भी। इस तरह से हम सबको ब्रेड को बटर लगा देंगे। अब फ्रूट सैंडविच बनाने के लिए जो हमने मटेरियल रेडी किया था उसको ले लेंगे और इस ब्रेड पे स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह से। अब हम दूसरी स्लाइस लेंगे ब्रेड की और इस पे चॉकलेट सॉस जो बनाया है हमारा होममेड वो लगा देंगे। ये भी बहुत यम्मी लगेगा, टेस्टी लगेगा और सबको पसंद आएगा और इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे हम।
ब्रेड स्लाइस पे हमने जो फ्रूट मटेरियल बनाया था वो लगा दिया है और एक पर मैंने चॉकलेट सॉस स्प्रेड कर दिया है। अब इस ब्रेड को इसके ऊपर कवर कर देंगे और थोड़ा सा इसको प्रेस कर देंगे अच्छी तरह से। अब हम सैंडविच को पिज्जा कटर से कट कर देंगे। आप जिस शेप में भी काटना चाहें इसे काट सकते हैं। हमारा सैंडविच बनकर रेडी है। हमने इसे पिज्जा कटर से कट कर लिया है। बहुत ही दिखने में भी यम्मी है, खाने में भी टेस्टी है ये, और आपके पूरे परिवार को ये बहुत पसंद आएगा। हमने हमारी दोनों रेसिपीज को इस तरह से सर्व किया है। आप अपने हिसाब से इन्हें सर्व कर सकते हैं। अगर मेरी दोनों रेसिपीज आपको पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें।